मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र विकास नगर में दो गुटों में जमकर पथराव हो गया। पथराव के दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आला अधिकारियों ने घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देख मथुरा के SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुँच गए। मथुरा के थाना सीढ़गर इलाके यमुना फ्लाई ओवर पर अचानक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भयानक लग गई कि कार सवार लोगों ने जैसे तैसे कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि कार होटल से नौजिल के लिए जा रही थी। डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने मथुरा में कई अलग अलग जगहों पर आकाश में भ्रमण किया, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ कई कॉलोनियों का भी निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर कई यात्री बिना मास्क के पाए गए, जहां उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की बात कही। मथुरा के थाना मार्ग क्षेत्र में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खाने पीने की चीज को लेकर गांव के लोगों ने बच्चों को बांधकर जमकर पीटा। मासूम के परिजनों की तहरीक पर थाना मार्ग में मुकदमे को पंजीकृत किया गया है और इस घटना के संबंध में पुलिस जांच में जुटी है। आने वाली ईद उल जहा को लेकर मथुरा के थाना गोविंदनगर प्रभारी ने पीस कमेटी के साथ बैठकर मीटिंग की, जहां उन्होंने पीस कमेटी से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में कटान ना करे और एक दूसरे से लोग भाईचारा का संदेश दें।